बेस्ट वेजिटेरियन डिश पनीर टिक्का। डाल दिया जी पेस्ट, इतना प्यारा लग रहा है, वाह फुल एकदम प्रोटीन रोटी मिलने वाला। अपने कोमल कोमल हाथों से भैया ने जो है इसको मिला दिया है। डैश ऑफ लाइम फॉर दैट एसिडिक फ्लेवर। ये क्या चीज है? येलो मसाला। अच्छा डालो येलो मसाला भाई, ये इनका जो है कुछ स्पेशल मसाला लग रहा है। सीक्रेट मसाला कहते हैं इसे। किस चीज जो है जो पनीर टिक्के के बीच में जो वेजिटेबल्स होती है ना एकदम फुल, वो भी आने वाली है। पनीर को क्या कहते हैं, टमाटर थोड़े ज्यादा लगाना। टमाटर लगा दो भाई, हमारे हमारे साथ में टमेटो लवर्स भी है। टमाटो कैप्सिकम कम, टमाटर ज्यादा, देखो मिर्च पसंद नहीं लाइफ में। कैप्सिकम भी यार मेरे को ना एकदम प्रीमियम वेजिटेबल लगती है, एकदम फील आ जाती है, और उसके अंदर रंग भी अलग अलग होते हैं, पीले लाल, मजा आ जाता है एकदम। उसको बेल पेपर्स भी बोलते हैं कोठी बंगले वाले। ठीक है तो भाई ये देखो अब हमारा जो पनीर था वो रेडी जो हो गया एकदम फुल, वेजिटेबल्स थी वो तैयार एकदम हो गई है फुल मैरिनेटेड तरीके से, और अब ये सीख के अंदर लग रही है। ये देखिए आप क्या बढ़िया तरीके से जो है इन्होंने स्टिक सीख के अंदर लगा दिया है। ओहो वाह मजे, ये डाल दो भैया, डाल दो डाल दो, वाह जी वाह, डाल दिया जी। क्या बना रहे हो भाई साहब? बिरयानी। कौन सी बिरयानी है ये? मटका बिरयानी है। मटका बिरयानी, हाँ ठीक है। ये क्या डाला? मंडी पुलाव भी कह सकते हैं इसको। कितने रुपए प्लेट रहती है? 500 रुपए की वेज पुलाव। स्वाद होगा ना? गारंटी के साथ बोल रहे हैं भाई, गारंटी के साथ स्वाद हो रहा है यहाँ पे। भाई नॉर्थ इंडियन खाना खाना है, मेन कोर्स स्टार्टर वगैरह सीखे आ रहे हो, आंटी की शादी करके आउटलेट है, मेन रोड पे आपको दिख जाएगा, रेड लाइट क्रॉस करते हैं, ठीक है, आउटलेट सर्कल में है, बहुत ही जबरदस्त आउटलेट है। सब्जियाँ बड़ी फ्रेश लगती है। हमारे चावल जो है ये आगे हमारी बिरयानी चावल आ गए। अरे वाह खिले खिले चावल, एक एक दाना एकदम फुल बासमती वाली फीलिंग आ रही है, पता लग रहा है कुछ इतनी अच्छी आ रही है। फ्रेग्रेंट राइस को क्या होने वाला है? नहीं नहीं वो अच्छा भैया, अच्छा ड्राई फ्रूट्स, काजू किशमिश वगैरह, वही चीजें जो किसी को भी पसंद नहीं आती बिरयानी में। हाँ किशमिश में आज अच्छा नहीं लगता मेरे को, सही लगती है। ये डाल दिए फ्राइड अनियन, मात्र 2.5 मिनट 3 मिनट के अंदर जो हमारी बिरयानी है या पुलाव कह सकते हैं तैयार हो गया है। अरे वाह तैयार, तीन मिनट की नहीं यार, तैयार कर दी आंटी, लगा दो इसमें देसी घी, देसी घी जा रहा है इसके अंदर, मट्टी के अंदर डाल दिया भाई देसी घी। अब ये फिर गैस पे भी जाएगी ना? तंदूर पे, तंदूर पे जाएगी। ओ नाइस, बहुत सही, बड़ी जबरदस्त मजा आ गया। साथ में रायता वगैरह ग्रेवी लेते हैं। Thank you.
भी है 500 रुपए की तो है। देसी घी वाली पुलाव हांडी पुलाव देसी घी हांडी प्यारा लग रहा है। खतरनाक चीज है। अच्छा ये हांडी इससे निकले क्या आवाज है? हाँ गर्म भी हो गई हांडी अपने सटी रहे हमारी। जी 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 कढ़ाई पर क्या सिखा रेडी हो गया है फुल और चलो कटिंग कर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो। लाना इस पे और क्या समा गया क्या थी हमारी है शुद्ध बिरयानी वाओ मौज हो गई भाई। मुझे तो अभी से मेरा मुंह पानी आ रहा है दिक्कत से ना गर्मा गर्म बस सुअर की डाल देंगे हम रायता थोड़ा गड्ढा बना दे एक मिनट से। हाँ हाँ मस्त हमारी वेज पुलाव तैयार हो गया भाई मजा आ गया। पुलाव नहीं बिरयानी थी पुलाव ये टेक्निकली स्पीकिंग कैसे खुशबू कितनी बढ़िया आ रही है। एक मिनट हो गया तेरी वीडियो कट कर रही है कट कर रहा हूँ। वेरी नाइस स्टफ गुड स्टफ वेरी नाइस पुलाव बिरयानी जो बोलना चाहे आप बहुत ही बढ़िया है मजा आ गया मेरे को खा के। ये स्टार्टर ज्यादा बिरयानी पुलाव जो भी थी वो अच्छी लगी। जिस जिसको पुलाव पसंद है वेज वेज बिरयानी टाइप खाते हैं प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताइए एंड लाइक करिए वीडियो को शेयर करिए और फॉलो करिए मजेदार वीडियोस के लिए। बाय बाय गाइज टेक केयर जय हिंद वंदे मातरम।